फर्स्ट क्वेश्चन वर्कशीट नंबर 10 में हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 दिया हुआ है और ए पार्ट में हमसे बोला गया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 विच इज 1/3 + 2 iota, कहते हैं इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं। तो हम जानते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा होता है, तो हम उसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके पास न्यूमरेटर में आया 3 - 2 iota और डिनोमिनेटर में आया 9 - 4 iota square, तो ये बन गया आपके पास 3 - 2 iota और 9 + 4 से आ गया 3/13 और -2/13 iota। तो आपके पास में Z2 की वैल्यू आ गई है 3/13 -2/13 iota। नेक्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला Z1 × Z2 फाइंड करो, तो Z1 हमारे पास है 3 + 2 iota और Z2 हमारे पास है 3/13 और -2/13 iota। 3 की मल्टीप्लाई करी तो आया 9/13 -6/13 iota, 2 iota की मल्टीप्लाई करी तो आया 6 iota/13 और फिर आ गया माइनस का 4/13 iota square। तो ये तो कैंसिल हो गए और ये आया 9/13 + 4/13 = 13/13 = 1। आप देखो Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई से आपका 1 आ रहा है, इसका मतलब Z2 क्या है, 1/Z1 है। तो हम कह सकते हैं Z2 Z1 का मल्टीप्लिकेट इनवर्स है, लिख सकते हो आप बड़ा बड़ा यस। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z = a प्लस आयोटा बी और हमें फाइंड करना है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो देखिए जनरलाइज हो गया, हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो हमेशा इसी फॉर्म में होता है, तो हम एक फॉर्मूला डेवलप करने वाले हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो जेड का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा वो आपका हो जाएगा 1/Z, जिसे आप लिख सकते हो a प्लस आयोटा b। इसे अगर हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो आपके पास न्यूमरेटर में आ गया a माइनस आयोटा b और अपॉन में आया a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, जो सॉल्व होके बन गया a माइनस आयोटा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ऑब्जर्व करो, तो क्या मैं इसे जेड कंजुगेट बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता। ए माइनस आयोटा बी मतलब जेड कंजुगेट और डिनोमिनेटर में देखो तो ये मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर है। क्यों? आप देखो, आप जानते हो मॉडुलस ऑफ जेड अगर हम निकालेंगे तो आएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल के आया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उस नंबर के कंजुगेट को अगर मॉडुलस के स्क्वायर से डिवाइड करें तो आ जाता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जितना इम्पॉर्टेंट ये है कि मॉडुलस का स्क्वायर नंबर इनटू उसका कंजुगेट होता है। ये प्रॉपर्टी हम बाद में यूज़ करेंगे, बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए हम डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 + 11 iota, कहते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए आपको बताया है हमने, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जेड है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कंजुगेट डिवाइडेड बाय मॉडुलस का स्क्वायर। तो कंजुगेट निकालेंगे तो आएगा 7 - 11 iota और मॉडुलस निकालेंगे तो आएगा 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121 के अंडर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 7 - 11 iota और इन्हें ऐड करो तो बन गया आपके पास 170। तो 7/170 -11/170 iota आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फोर्थ क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है 3 - 7 iota / 2 + 5 iota, फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं इसे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में कन्वर्ट करो, देन फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप देखो, आप जानते हो कि डिनोमिनेटर में अगर आयोटा होता है तो हमारे पास सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, तो डिनोमिनेटर के आयोटा को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमने कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा जो आया 2 - 5 iota। पहले 3 की मल्टीप्लाई करी तो 6 - 15 iota माइनस का 14 iota प्लस में आ गया 35 iota square।
और अपॉन में आएगा ए प्लस बी ए माइनस बी से 4 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। अभी ये 6 आया, माइनस का 29 आयोटा आया, माइनस का 35 आया, अपॉन में 4 प्लस 25 आया, माइनस 29 माइनस 29 आयोटा और अपॉन में आ गया आपके पास 29। 29 कॉमन लिया तो बना माइनस 1 माइनस आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास आ गया है, इसलिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसका मतलब होता है 1/z, कैसे निकालोगे? कंजुगेट को डिवाइड कर दो मॉडुलस के स्क्वायर से। तो कंजुगेट आपके पास माइनस 1 माइनस आयोटा का कंजुगेट और मॉडुलस आपके पास माइनस 1 माइनस आयोटा के मॉडुलस का स्क्वायर। कंजुगेट का मतलब होता है चेंज द साइन ऑफ आयोटा और मॉडुलस का मतलब होता है रियल का स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर का स्क्वायर। तो माइनस 1 प्लस आयोटा अपॉन में आ गया 2 और आंसर आ गया माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 के साथ आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 1 प्लस रूट 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसे a प्लस आयोटा b, देखिए z हमारे पास है तो पहले 1 की मल्टीप्लाई करी तो आया 3 माइनस 4 आयोटा, फिर रूट 2 आयोटा की मल्टीप्लाई करी तो आया 3 रूट 2 आयोटा, माइनस का 4 रूट 2 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 3 प्लस 4 रूट 2, ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया मल्टीप्लाई हुई, और यहाँ से आयोटा कॉमन लिया तो आया 3 रूट 2 माइनस का 4। ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। आपको चाहिए 1/z, 1/z का मतलब होता है कंजुगेट डिवाइडेड बाई मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये बन गया 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस आयोटा के साथ 3 रूट 2 माइनस 4, और इसका फाइंड करना है हमें कंजुगेट को। डिवाइड करेंगे रियल का स्क्वायर मींस 3 प्लस 4 रूट 2 का स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर मींस 3 रूट 2 माइनस 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, से बन गया हमारे पास 3 प्लस 4 रूट 2 माइनस आयोटा के साथ 3 रूट 2 माइनस 4, अपॉन में आया a प्लस बी का होल स्क्वायर 9 प्लस 4 हो जा 16 टू जा 32 माइनस प्लस 24 रूट 2 प्लस 9 टू जा 18 प्लस 16 माइनस 24 रूट 2, कैंसिल कैंसिल, तो ये आपके पास बना 34 एंड 32 76 और 9 75। तो आया आपके पास 3 प्लस 4 रूट 2 डिवाइडेड बाय 75, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी तो आयोटा के साथ आ गया 4 माइनस 3 रूट 2 अपॉन में 75। ये आ गया आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है 6 में। अब क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गिवन है और हमें जेड फाइंड करना है, ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। तो आप ये बात जानते हो कि 1/z होता है जेड कंजुगेट डिवाइडेड बाई मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास 1/2 प्लस 1/2 आयोटा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी है यहाँ तक। अब आप देखो 1/z का मतलब हो गया x प्लस आयोटा y। अब इसे सॉल्व करें तो आपके पास आया x माइनस आयोटा y और x माइनस आयोटा y, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये आपके पास आया x माइनस आयोटा y डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर के साथ y स्क्वायर। तो 1/ अगर एलसीएम ले तो 1 प्लस आयोटा इक्वल टू आया x माइनस आयोटा वाई और अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो इन्हें अगर सेपरेट करा जाए तो x अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा वाई के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू है 1/2 के साथ 1/2 आयोटा। कंपेयर करो तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आया 1/2 और माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास में वैल्यू आ जाती है एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के वाई में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये कैंसिल कर दी, एक्स इक्वल टू आ गया माइनस का वाई। ठीक है, एक्स की जगह माइनस का वाई लिख सकते हो, तो माइनस के वाई की जगह एक्स लिख सकते हो। यहाँ से आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर, फिर से आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करी 2x इक्वल टू आ गया 2x स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल करा और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आ गई आपके पास -1, क्योंकि आप देख रहे हो x इक्वल टू कितना आया हुआ है, माइनस का वाई। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस आयोटा वाई, तो x की वैल्यू आई है आपके पास 1 और y की वैल्यू आई है -1, तो आपके पास आंसर आ गया 1 माइनस आयोटा। 7th क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है 1 प्लस आयोटा रूट 3 का। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा रूट 3, आपको चाहिए 1/z, जिसके लिए क्या करते हैं हम, जेड कंजुगेट डिवाइडेड बाई मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस आयोटा रूट 3 का कंजुगेट और यहाँ से आया 1 और रूट 3 का स्क्वायर के अंडर रूट का होल स्क्वायर, जो बन गया 1 माइनस आयोटा रूट 3 और 1 प्लस 3 से आया 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 4 को सेपरेट करके भी लिख दो तो 1/4 रूट 3 बाई 4 के साथ आयोटा, और यही आ गया आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।